गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। हम टॉप टेन सीरीज कर रहे हैं। कहने को ये 10 क्वेश्चन है लेकिन ये 20 क्वेश्चन है। इसमें मैंने चैप्टर के जितने भी 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते थे सारे कंसेप्ट के सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। यकीन मानो अगर आपने ये सिर्फ एक घंटे की सीरीज है, अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन देख लिए और 10 जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए उनको अगर आपने कर लिए तो आपके पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको मेरा एक एक क्वेश्चन कराया हुआ बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब तक हम रियल नंबर, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ट्रायंगल कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। 2014 में और 2016 में दोनों में आ रखा है दो दो नंबर का। इफ थ्री पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड ए माइनस बी इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। इसी के जैसा है, ठीक है। करना क्या है, ये क्वेश्चन जो दिया है इसके पॉइंट लिख लो। जो दिया हुआ है ए, ए कितना है भाई, माइनस टू कोमा वन। फिर बी, थोड़ा गैप पे लिखो, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा, ए कोमा बी। और सी कितना है, सी है फोर कोमा माइनस वन। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। इसको नाम दे दो x1 y1, ठीक है। इसको नाम दे दो, इसको x2 और इसको y2, और इसको नाम दे दो x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। ये नाम दे देना। नाम देने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा है, तो हमें क्या लिखना है, एक फार्मूला याद रखना है, क्या x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला याद रखना है, कोलिनियरिटी की ये कंडीशन होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रख देनी है। x1 कितना है देखो ध्यान से, माइनस टू, और ब्रैकेट लगा के y1, y2, y2 कितना है b माइनस y3, y3 कितना है देखो, इसलिए माइनस लगाया वरना आप गलत कर दोगे, माइनस वन, ठीक है। प्लस x2 कितना है a, और y3, y3 कितना है माइनस वन, और माइनस y1, y1 कितना है देखो ध्यान से, माइनस का माइनस ओ वन, y1 कितना है सिर्फ वन, ठीक है। y1 कितना है, यहां देखो y1 कितना है, ओनली वन, ठीक है। अब प्लस x3, x3 कितना है फोर, फोर, ठीक है। और y1 कितना है वन, माइनस y2 कितना है, y2 ये रहा b। क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ में आ गया, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। अब इसको खोल दो तो देखो माइनस का टू, और यहां देखो b, और माइनस माइनस प्लस का वन, ठीक है, ये बंद। फिर प्लस का a, और यहां देखो माइनस वन और माइनस वन, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये सिर्फ इससे लिख लो माइनस वन माइनस वन, ठीक है। थोड़े स्टेप लिए, ज़्यादा खोल के इसलिए लिख रहा हूँ, देखो एक ही मौका मिलेगा, बोर्ड में किसी तरह की गलती ना हो। यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस माइनस टू की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा माइनस का टू बी, और माइनस का ये तो माइनस का टू, और माइनस 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 का टू, यहाँ से माइनस का वन तो माइनस का टू, तो मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट माइनस का टू। अब माइनस के टू से इसे मल्टीप्लाई, तो माइनस का टू ए। अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस का फोर और माइनस का फोर बी, इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो माइनस का टू ए, तो माइनस का टू ए एज इट इज रहा। अब माइनस के टू बी में और माइनस का ये फोर बी, तो माइनस का सिक्स बी, और फोर में से टू गए तो प्लस का टू, इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, माइनस का टू ए माइनस का सिक्स बी इक्वल टू माइनस का टू। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी का क्वेश्चन चुपके से आ जाता है, पता भी नहीं चलता करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको मिटा दिया मैंने अच्छे से। अब देखो ध्यान से, इसमें से पूरे में से माइनस का टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस थ्री बी इक्वल टू माइनस का टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री बी इक्वल टू माइनस का टू अपॉन में माइनस का टू, कट के कितना आ गया वन, तो ए प्लस थ्री बी इक्वल टू कितना आ गया वन। और एक इक्वेशन मुझे गिवन है, कौन सी, ए माइनस बी इक्वल टू
वन। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, दो इक्वेशन हो गई ना, एक तो ये मेरे वाली है, ये मेरे वाली इक्वेशन है, और ये जो हमने गिवन है। क्या करेंगे हम, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसके साइन बदल दो। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, ये कट गया, ए में से ए गया जीरो, और प्लस का थ्री बी और प्लस का बी, तो प्लस का फोर बी, और वन माइनस वन जीरो, तो मतलब बी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। बी जीरो आ गया ना, बी को इक्वेशन वन में रख दो, तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कौन से इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन टू। तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू वन, और b की जगह कितना लिखना है, जीरो, तो a माइनस जीरो इक्वल टू वन, मतलब a इक्वल टू वन। तो ये मेरा पूरा आंसर था, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको काफ़ी हद तक मैं समझाने में कारगर रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप सोल्व करना, ताकि गलती हमारी ना के बराबर हो, मतलब 0.001% भी गलती ना हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।